सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल के मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। 16 मैच खेलने वाले इस अफगानी गेंदबाज ने चौंका देने वाले इकोनॉमी रेट से 21 विकेट चटकाए हैं। आइए जानते हैं इस बेशकीमती स्पिन गेंदबाज की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। 19 साल के राशिद खान न सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया के सबसे चहेते खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि राशिद का बचपन बेहद मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में बीता है। 20 सितंबर 1998 में अफगानिस्तान के नांगरहार में जन्मे राशिद के 9 भाई बहन हैं। एक तो गरीबी का संकट और ऊपर से अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से गृह युद्ध ने इनके परिवार को पाकिस्तान भागने पर मजबूर कर दिया। काफी समय तक पाकिस्तान में रहने के बाद जब अफगानिस्तान में हालत थोड़े बेहतर हुए तो राशिद का परिवार वापस अपने देश लौट गया। इसके बाद राशिद की पढ़ाई लिखाई अफगानिस्तान में ही हुई। बचपन में राशिद शाहिद अफरीदी को क्रिकेट खेलते हुए देखा करते थे। इसके बाद धीरे धीरे राशिद ने अफरीदी के बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया। राशिद बचपन में अपने 5 बड़े भाइयों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। 16 साल की उम्र में राशिद खान अफगानिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का डेब्यू मैच खेला था। साल 2017 में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी ने इस स्पिन गेंदबाज को 50 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा था। अपने पहले ही सीजन में राशिद ने अपनी धारदार गेंदबाजी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। यही कारण है कि साल 2018 में राशिद खान को सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 करोड़ में खरीदा। अफगानिस्तान की तंग गलियों में साधारण सी जिंदगी जीने वाला ये क्रिकेटर पलक झपकते ही स्टार बन गया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।